हेलो फ्रेंड्स, लास्ट दो टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट इज सेंटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस और व्हाट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. और आपने बड़ा ही आपने अच्छा लाइक किया है, कमेंट भी किए हैं और सब्सक्राइब भी किए हैं, इसके लिए आपको थैंक यू. ओके, नाउ आज हम डिस्कस करेंगे उसके नेक्स्ट सीरीज के बारे में. हम आज डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में. और यहाँ से शुरू होता है आपके कम्पिटेटिव क्वेश्चंस, कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये. ठीक है, ओके, लेट्स सी. डिस्कस करेंगे आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में. पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक्स में सेंटेंस क्या होता है. हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में सेंटेंस क्या होता है, उसमें हमने पढ़ा था कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी काइंड ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस वी हैड जस्ट डिस्कस इन लास्ट क्लासेस. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो हमने देखा था जो सेंटेंस का फॉर्मेशन था उसमें बहुत सारे वर्ड्स थे. There are a lot of words in our sentences. All sentence is the combination of words we have seen. उसमें हमने देखा था sentence जो है उसके different different words मिले होते हैं और सारे words जो हैं different different role play कर रहे थे. Different different role play कर रहे थे. Actually में जो word होता है वो sentence में कई रूपों में आता है. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, I went abroad for further study. I went abroad for further study. Listen, this is a sentence and there are a lot of word. This is word, this is word, this is word, this is word, this is word and this is word. Okay? These are words. और ये सारे words जो हैं sentence में इनका एक अपना function होता है. All words have a function. जैसे अगर हम आई की बात करें तो दिस इज प्रोनाउन, यह किसी नाउन के जगह पे आया. दिस इज वेंट, यह एक एक्शन वर्ड है. एक्शन वर्ड का मतलब हो गया यह एक वर्ब है. अब्रोड, दिस इज आल्सो अ वर्ब जो कि इस वर्ब की विशेषता बता रहा है. फॉर, दिस इज प्रीपोजिशन. फर्दर इज अ एडजेक्टिव. Studies is a noun. Okay, so you can see all the words have a different functions. तो this function को ये जो function दिखाई दे रहा है ये अपने work के हिसाब से divide है. जरूरी नहीं है कि हर function के लिए different different words की requirement होती है. Okay. एक ही वर्ड डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में भी यूज किया जा सकता है. जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने लिखा है यहां पे एक सेंटेंस लिखा है यहां पे, वाटर द प्लांट्स. गिव मी वाटर. I saw water word. You can see only the underlined word water. Here is a lot of functions. इस sentence में हम बता रहे हैं आपको water the plants means here water एक action का नाम है. यह एक action है, पौधे को पानी दो, यह एक action हो गया.
और एक्शन यानी कि यह वर्ब है। यहां पे वाटर, गिव मी वाटर, यहां पे जो वाटर है दिस इज द नेम ऑफ समथिंग, नेम डिनोट कर रहा है, नेम आई मीन नाउन है। आई सॉ वाटर बर्ड, वाटर इज द गोइंग टू मोडिफाई दिस वर्ड बर्ड, सो दिस इज एडजेक्टिव। तो यू कैन सी वन वर्ड हैव मेनी फंक्शंस, वन वर्ड कैन प्ले डिफरेंट रोल इन द सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल्स वी कैन से वट इज parts of speech, we can define parts of speech as it is. We can say words are divided into 8 parts. According to their functions, word is divided into 8 parts. Words are divided into 8 parts according to their functions. Are called parts of speech. Okay, words are divided into 8 parts according to their functions or called parts of speech. ये कौन-कौन से functions होते हैं इसके बारे में अगर हम देखें, तो first one is noun, second one is pronoun, third one is adjective, fourth one is verb, fifth is adverb, sixth preposition, seventh conjunctions, eighth one is interjections. These all are functions. These are divided into 8 parts. First one is noun, second pronoun, third is adjective, fourth is verb, fifth is adverb, sixth is prepositions, seventh is conjunctions, and eighth one is interjections. Now we will discuss each functions continuously. We will discuss the first one is what is noun, what is pronoun, what is adjective, what is verb, how many questions will come in any examinations related to chapters. Noun क्या होता है, noun के uses क्या होते हैं, noun से exam में कैसे questions आते हैं और उसको हम कैसे solve करेंगे, okay? इतने types के हम लोग discuss करेंगे, we will first discuss today noun और we हम लोग आज ये भी discuss करेंगे कि noun से related कैसे questions आएंगे, तो let's see the topic is now.